नमस्कार, मैं आपके साथ सेहनाज और आप मेरे साथ देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य खबर पर। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर शहर की सड़कों पर बेखौफ फर्राटा भर रहे ई रिक्शा परिवहन विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। नंबर प्लेट के संचालित ई रिक्शा के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही में भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि परिवहन अधिकारी अनियमितता बरतने वाले ई रिक्शा की 34 नंबर को दर्ज कर कार्यवाही कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में संचालित ई रिक्शा चालक ऑटो चालक यातायात नियमों को दरकिनार कर न सिर्फ ओवरलोडिंग करते हैं बल्कि स्कूली बच्चों को भी रिक्शे व ऑटो में बिठाकर अनियंत्रित गति से संचालित कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों की जान जोखिम में बनी हुई है। परिवहन अधिकारी ने मंगलवार की सुबह सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दो वाहनों को सीज करते हुए 5 वाहनों का चालान किया। परिवहन अधिकारी राम बाबू ने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन डग्गामार वाहनों में न बिठाएं, बच्चों को स्कूली वाहनों से ही विद्यालय पहुंचाएं। सर, अभी कुछ गाड़ियों के चालान किए गए, किस तरीके से गाड़ियां आप चालान कर रहे हैं? ये वाहन जो है स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का कार्य कर रहे थे, जिसके क्रम में चार स्कूली वाहनों को थाना कन्नौज में सीज किया गया। ये बच्चों की जान जोखिम डालकर एक अनियंत्रित गति से चलाते हैं। अभी हाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है गोसाईगंज में, एक वाहन जिसमें 7 बच्चे स्कूली थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक सवार भी घायल हो गया। ये सभी हम अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु जो है स्कूली वाहनों में ही बच्चों को भेजें, जिससे उनके सुरक्षित रह सकें। बिना अनुमति के प्रबंधन के किसी प्राइवेट वाहन में अपने बच्चों की जान जोखिम डालकर न भेजें। सर, टोटल कितनी गाड़ियों का आज कार्रवाई है? आज जो है मैंने 5 गाड़ियाँ जो है कन्नौज जनपद थाना में निरुद्ध की हैं, जो स्कूलों में संचालित हो रही हैं।